मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि परमवीर सिंह ने खुद कल के दिन खुलासा करके बताया है कि होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के ही कहने पर एपीआई सचिन वाजे वसूली किया करता था और हर महीने उसे 100 करोड़ का टारगेट भी दिया जाता था कि जैसे तैसे करके बार, रेस्टोरेंट्स और भी अन्य जगहों से वसूली करो और 100 करोड़ रुपए ला कर दो। तो अब यहाँ हजारों एसएसआरियंस ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर कल से ही एक ही सवाल लगातार पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी कोई भी डिमांड सचिन वाजे ने सुशांत सिंह राजपूत के सामने भी रखी थी क्या। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जा रहा है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से 15 से 17 करोड़ रुपए कहाँ गए, किसे दिए गए या किसने ले लिए, इसका कोई भी क्लियर हिसाब अभी तक समझ में नहीं आया है। और दूसरी ही तरफ ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 14 और 15 जून तक सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर वैसी ही एक ब्लैक मर्सिडीज भी दिखाई दी थी जिसकी भी नंबर प्लेट पूरी तरह से फर्जी निकली। और अब अगर देखा जाए तो मनसुख हिरेन भी एक बिजनेसमैन था और उसकी भी हत्या के पीछे सचिन वाजे का नाम आ जाना, वहाँ भी फेक नंबर प्लेट वाली मर्सिडीज का रोल। आप लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? मुझे ये सवाल लगातार कल से ही परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने आपकी राय जानने के लिए ये वीडियो बनाया है। आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर हमारी आवाज़ और बुलंद करें। मैं मिलूंगा आप सबसे बहुत जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।